Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and the CN Making. This is module number 104, and we are going to talk about what great managers do, idea in practice. As we have seen, what great managers do idea in brief, that the manager is there to tailor his or her style to match with the needs and wants of the followers. Or match the followers would be better able to demonstrate what they can do.

हम हमें आइडेंटिफाई करना है कि हर एम्प्लॉय के अंदर डेफिशिएंसी वो किस चीज की है उस डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसकी उस डेफिशिएंसी को बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए नो डाउट वी नीड टू गो थ्रू द फेस ऑफ टीएनए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जिसमें कि हम उसकी डेफिशिएंसीज को उसकी कंपिटेंसीज में कमी को आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ट्रेनिंग की एक एम्प्लॉय को जरूरत है एंड देन एट द सेम टाइम हमें अनकन्वेंशनल वेज के साथ जॉब को डिजाइन करना पड़ेगा मे बी वी हैव टू गो फॉर जॉब एनरिचमेंट मे बी वी हैव टू गो फॉर एक्टिव प्रोविजन ऑफ

तो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट करना चाहिए उसकी सक्सेस को अगर एक एम्प्लॉय रिकग्निशन चाहता है फ्रॉम यू तो हमें एक्सक्लूसिवली उसके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए जिसमें कि हम उसे बताएं कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर एक एम्प्लॉय रिकग्निशन चाहता है फ्रॉम द सिमिलर एक्सपर्टीज कैरीड बाई द पीपल ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट और द एरिया इन विच और शी इज ऑपरेटिंग तो वहां पर हमें प्रोफेशनली उनको दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट भी करवाना है उसको ऐसे अवार्ड्स भी देने हैं जो कि पब्लिकली दिए जा रहे हों ताकि वो अपना एप्रिसन फील कर सके इसी तरह अगर वो कस्टमर के साथ अपनी प्रेस चाहता है तो उसकी तस्वीर कस्टमर के साथ बेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड द बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉ इन दोनों की तस्वीर वो हम ऑफिस में प्लेस कर सकते हैं जिससे कि रिकग्निशन वो क्रिएट हो सो इधर देर आर डिफरेंट वेज जिनसे कि हम उसकी वीकनेसेस को कैपिटलाइज करने की बजाय न्यूट्रलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड कर सकें जो कि उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का बायस वो बने लाइक वाइज याद रखिएगा कि जब हमने अपने टेलर करना है स्टाइल ऑफ कोचिंग को तो उसके लिए देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी हैव टू इन आर माइंड वेन वी हैव टू टू टेलर कोचिंग लर्निंग स्टाइल तो इफ सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि इफ एन एम्प्लॉय इज एन एनालाइजर तो हमें उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करनी है और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके एंड ऑब्वियसली ही रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग ऑन अ टास्क एंड ही हेट्स मेकिंग मिस्टेक्स हमें उसको कोच करना पड़ेगा नंबर वन गिविंग हिम एम्पल क्लासरूम टाइम नंबर टू रोल प्लेइंग विद हिम एंड नंबर थ्री गिविंग हिम टाइम टू प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस नाउ सपोजिडली इफ द एम्प्लॉई इज अ डूअर तो उस केस में ही यूजेस ट्रायल एंड एरर टू एनहांस वाइल ग्रैपलिंग विद टास्क सो अब हमें उसको चांस देना है ट्रायल एंड एरर के लिए बिकॉज द पर्सन कैपेबिलिटी इज एनहस थ्रू डूइंग थिंग्स टेक्निकली एंड टेंजेबली उस मकसद के लिए हमें उसको कोच करना पड़ेगा बाई असाइनिंग हिम A simple task explaining the desired outcomes and getting out of his way. so wo apni creativity ko, apni innovation ko, apne kam karne ke, apni opportunity ko vel karne ke perspective ko, besther Secondly, we have to gradually increase the task complexity until he masters his role. Junke, uski capability hai that is like a doer. Likewise, if the person is a watcher, he haunts his skills by watching other people in action. उस मकसद के लिए हमें शेडो करना पड़ेगा उसको विद द टॉप परफॉर्मर्स और उस शेडो के तौर पर द पर्सन वुड बी देयर एक मैनेजर उसी वक्त ही परिटीजुलिसमोस्ट्रेट कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज को जब उसका ताल्लुक अपने फॉलोअर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो और वो टेलर करने की कैपेबिलिटी रखता हो अपने लीडरशिप स्टाइल को लोगों की जरूरत के मुताबिक देयरफॉर अगर उसके फॉलोअर्स एनालाइजर हैं डूअर हैं वॉचर तो उसके मुताबिक ही उसको डील करना पड़ेगा विद 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 द द द मोटिवेशन एंड विदिवेशन जिसमें वो बेहतर अपनी demonstration वो दे सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि एक मैनेजर अपने स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपने फॉलोअर्स की जरूरतों के मुताबिक वो चेंज करता है और उसको चेंज करने से मेन मकसद जो उसको अचीव होगा वो ये है कि उसके फॉलोअर्स अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक अपनी प्रोफेशनसी एंड कॉम्पिटेंसीज के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव वो कर सकें थैंक यू